गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी साइंस, सो टेक आउट माई साइंस बुक। टुडे क्लास वर्क चैप्टर 14, द सन मून एंड स्टार्स, पेज 101। फेजेस ऑफ द मून। फेजेस ऑफ द मून सी हियर चिल्ड्रेन, राइट साइड। The shape of the moon changes every night. Sometimes it is round like a ball. This is the full moon. On some nights it appears half. This is the half moon. On some nights it is C-shaped. This is the crescent moon. At other times there is no moon at all. The changing shapes of the moon are called phases of the moon. Children, today our topic, phases of the moon and stars. Chandrama ki kalaein aur sitare, ye dono aaj hum log padhenge. दाएं तरफ आप लोग देख सकते हो फेजेस ऑफ द मून, उसका जो चेंजेस यहाँ दिखाया गया है। द शेप ऑफ द मून चेंजेस एवरी नाइट, हर रात को मून का जो शेप है वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। वो अपना जो शेप है वो चेंज करती है, ठीक है। सो समटाइम्स इट इज राउंड लाइक अ बॉल, कभी वो गोल रहता है, सी पूरा फुटबॉल के जैसा गोल आकार उसका गोल रहता है। दिस इज द फुल मून, उसको बोला जाता है फुल मून मीन्स पूर्णिमा, पूर्णिमा बोला जाता है उस समय को। द ऑन सम नाइट इट अपीयर्स हाफ, कुछ रात में कुछ समय में रात जब होता है कुछ रात जो आता है उसमें जब उसका अपीयर्स रहता है उसमें कभी दिखा जाता है कि हाफ होने लग रहा है, मतलब ऐसा हाफ होते जाता है। तो इसको बोल हम लोग कहते हैं क्या, हाफ मून, इसको हम लोग हाफ मून कहते हैं इंग्लिश में। और इसका मीनिंग है अर्धचंद्र, ओके, इसको अर्धचंद्र हाफ मून कहा जाता है। ऑन सम नाइट इट इज सी शेप्ड, आप लोग देख सकते हो सी शेप आकार लेता है, ठीक है। दिस इज द सर्टन मून, एट इसी को ही बोला जा रहा है अर्धचंद्र मून का जो अर्धचंद्र, इसी को ही बोला जा रहा है, ठीक है। सो एट अदर टाइम्स देयर इज नो मून एट ऑल, एक समय आता है कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कुछ भी चंद्रमा को दिखाई नहीं देगा कुछ दिन के लिए, ठीक है। तो द चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून, ये जो चेंजिंग शेप है परिवर्तन उसका जो एक एक रूप आप लोग देख रहे हैं, कभी सर्कल है कभी सर्कल का जरा कम है कभी आधा है कभी सी शेप है, ऐसा करते करते जो चेंजिंग होता है इसी को बोल रहा है यहाँ फेजेस ऑफ द मून, चंद्रमा की कलाएं। इसके बाद हम लोग का टॉपिक है स्टार्स, मतलब सितारे के बारे में अब हम लोग अभी पढ़ेंगे सितारे। सो वी ऑल्सो सी स्टार्स इन द स्काई एट नाइट, हम लोग रात को आकाश में देखते हैं बहुत सारे सितारे। तो दे शाइन्स ब्राइटली एंड गिव अस लाइट एट नाइट, वो उज्ज्वलता के रूप के साथ बहुत ब्राइटनेस रहेगा, लाइट रहेगा, जो प्रकाश है उसका बहुत अधिक होता है, दूर से भी उसको दिखाई देगा देता है ना।
तो दे लाइट ब्राइटली, बहुत उज्जवलता का रूप के साथ। हाँ, और लाइट भी रहता है, ब्राइट तो होता ही है, उज्जवल है और प्रकाश भी रहता है, रात को दिखता है, इतना दूर से भी उसको दिखता है, टिमटिमाते रहता। दे आर एक्चुअली वेरी बिग इन साइज, हम लोग को दिखता है सा छोटा सा उज्जवल, बट वो बहुत बड़ा है साइज में। सो बट दे लुक टीनी बिकॉज, इन लोग को दिखता है छोटा, कारण क्या है, वट बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, ये लोग बहुत दूर रहते हैं हम लोग से। स्टार्स सीम टू ट्विंकल इन द स्काई, और ये स्काई में टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। ठीक है, द सन इज ऑल्सो स्टार, सन भी एक तारा है। ठीक है, तो इफ यू ऑब्जर्व द स्टार्स केयरफुली, अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से, केयरफुली देखेंगे, यू विल नोटिस दैट सम स्टार्स ग्रुप टुगेदर टू मेक अ पैटर्न इन द स्काई। कुछ जो ऐसा टाइप का जो स्टार्स है, ये लोग ग्रुप बना के एक साथ एक पैटर्न भी देते हैं स्काई में, आकाश में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो ऐसा पैटर्न, ऐसा पैटर्न। तो ये द शेप ऑफ द हंटर, ये क्या का शेप बनाया वो लोग, हंटर का शेप। तो आज हम लोग, टुडे हम लोग का जो टॉपिक है, आई होप इफ यू अंडरस्टूड फेजेस ऑफ द मून चेंजिंग, मून चेंजेस एवरी नाइट, द शेप ऑफ द मून चेंजेस एवरी नाइट, आई होप इफ यू अंडरस्टूड स्टार्स, स्टार्स एक्चुअली वेरी बिग इन साइज, एंड सो द शेप ऑफ द हंटर शेप। सो चिल्ड्रेन प्रैक्टिस रीड इट प्रॉपरली, वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम्स, ओके, सो प्रैक्टिस। ओके, नाउ योर होमवर्क, टुडे होमवर्क, टेक आउट योर डायरी, टुडे होमवर्क राइट चिल्ड्रेन, चैप्टर 14 पेज 101।